नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुप्ता डॉट कॉम में। और आज हम बनाने वाले हैं लौकी का बहुत ही टेस्टी नाश्ता। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो नाश्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लौकी लिया है और इसका छिलका उतार के इसे धो के साफ कर लिया है। तो अब हम लौकी का कद्दूकस करेंगे। तो लौकी को मैंने कद्दूकस कर लिया है। इसको हम इस तरीके से गार के इसका पानी हम निकाल लेंगे। तो लौकी का पानी मैंने गार के निकाल लिया है। और मैंने कुछ मसाले लिए हैं, हरी मिर्च, लहसुन, जीरा, काली मिर्च और कटा हुआ प्याज। इन सारे मसालों को हम थोड़ा सा दरदरा पीस लेंगे। तो सारे मसालों को मैंने पीस लिया है। बेसन डालेंगे एक कटोरी, सूजी डालेंगे जो हमने मसाला पीस के रखा था वो डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे और नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। धनिया पत्ता डालेंगे। सारे मसालों को हम मिला लेंगे। तो लौकी और मसालों को मैंने मिला लिया है। और इस तरीके का मैंने एक थाली लिया है, इसमें हम 2 बूंद तेल डालेंगे और थाली को हम चिकना कर लेंगे। मसाले वाली लौकी को हम इसी में फैला देंगे। और इधर मैंने पानी गरम कर लिया है, इसी के ऊपर थाली को रख देंगे और इसे कवर करके पकाएंगे 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट हो चुके हैं और हमारा नाश्ता पककर तैयार है। इसे उतार लूँगी मैं और ठंडा होने देंगे। तो नाश्ता हमारा ठंडा हो चुका है, इसको हम थाली से निकाल लेंगे। तो नाश्ते को हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं। तो नाश्ते को मैंने काट लिया है, इसको फ्राई करने के लिए हम तेल गरम कर लेते हैं। तो तेल हमारा गरम हो चुका है, नाश्ते को हम डाल देंगे। अगर आप चाहें तो इसे बिना फ्राई किए भी खा सकते हैं। तो नाश्ता हमारा एक तरफ का सिक चुका है, इसे हम पलट लेते हैं।
तो नाश्ता हमारा फ्राई हो चुका है, इसको मैं निकाल लूंगी। तो नाश्ता बनकर तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।